तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव होगी आपको बेसिक लेवल पे। अगर आप हो अपनी इंग्लिश क्या कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या रहेगी, बहुत अच्छे तरीके से आप इस टिप्स के जरिए क्या अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो और थोड़ा बहुत अपने आप को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कैसे अचीव किया जाएगा वो काम कर सकते हो। जो लोग नए हो उनको मैंने बेसिक सेंटेंसेस क्या किया है बताया है ना कि बेसिक सेंटेंसेस क्या होता है, लेकिन आप जानिए कॉपी में लिखना बोर्ड पे पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, फिर उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करना, कैमरे के सामने खड़े होके बोलना और फिर यहाँ खड़े होके बोलना एक अलग मामला होता है। इसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके जाना है। आपको पता है, आपको मालूम है कि आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना नहीं शुरू करोगे या पहले दिन में आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे, पूरी अंग्रेजी नहीं बोलोगे, आप छोटे छोटे वर्ड से छोटे छोटे सेंटेंस से क्या करोगे, सीखना शुरू करोगे। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो अगर आज आप आए हो, पहले दिन हो, पहले दिन अगर आप एक दो सेंटेंस बोल रहे हो, एक दो वर्ड बोल रहे हो, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। डेली आपको कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। धीरे धीरे आपका क्या करोगे, ग्रेजुअली स्लोली स्लोली आप क्या करोगे, सीख लोगे। तो दोस्तों आज का सेशन क्या है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए सेशन क्या है डेडिकेट करता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ, जो अभी इंग्लिश को क्या किए हैं, शुरू किए हैं। दे आर जस्ट बिगिनर, दे आर जस्ट लर्नर, दे आर जस्ट नॉट लर्नर, दे जस्ट स्टार्ट लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। और वो ग्रामर उनकी बहुत ज्यादा उनके पास नहीं है। थोड़ा बहुत ग्रामर सब लोग जानते हैं जो इंग्लिश पढ़े होते हैं। कि अगर मैं बात करूं, मैं क्लास में आई, इन द क्लास वा बाहर है, क्या ही आउटसाइड ना, तो मंदर हो यू आर इनसाइड। तो आज का सेशन कुछ इस तौर से स्पेशल है कि जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आती या थोड़ा बहुत आती है, उनको कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, ये हम क्या करेंगे आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लास्ट तक मैं क्या करूंगा, वीडियो के खत्म होने से पहले पहले तक सारी चीजें क्या रहेगी, आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी कंसेप्ट क्या है कि कैसे हमको क्या करना है, बेसिक कॉन्फिडेंस क्या करना है, गेन करना है। तो बताइए आप लोग तैयार हो? आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू एंथुसियास्टिक? यस। आर यू रेडी? यस। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम क्या करेंगे इस सेशन में, क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया है, बेसिक व्हाट योर बेसिक सेंटेंसेस, व्हाट योर बेसिक सेंटेंसेस आई टॉट यू, दीज आर वेरी बेसिक एंड कॉमन। व्हाट योर यू ऑब्जर्व, व्हाट योर यू लर्न, व्हाट योर यू फेल्ट, whatever you have, whatever you have read in your mind, these are sentences quite important, and also you can save in your mind for a long, long time, for a long, long time. How? If you practice here, if you try to observe, if you try to put, if you try to say, if you try to transform, if you try to say practically in front of the camera, on the podium, on the dais, you can learn, you can जो चीजें आप लोग पढ़े हो, जो चीजें आपने क्या किया है, सीख रखी है, उसका अच्छे तरीके से अगर आप चाहे तो हमारे दिमाग में सेव रहे, हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकें ना, व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल ना डिस्कसिंग, व्हाइल डिबेटिंग, व्हाइल ना मीटिंग, व्हाइल ना कनेक्टिंग, व्हाइल इंटरेक्टिंग, यू कैन लर्न, यू कैन यूज, हाउ, इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू प्रैक्टिस। सो आज हम स्पीच नहीं देंगे, आज हम ट्रांसलेट की प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांसलेट के जरिए अपने आप अपने कॉन्फिडेंस को क्या करेंगे, लेवल को आगे लेके बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों पूरी ग्रामर पढ़े नहीं होगी, आप लोग ट्रांसलेट करोगे, आप लोग नए हो, लेकिन कैसे अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना है, गेन करना है, हाउ यू कैन गेन योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैन हैव, हाउ यू कैन इनहेंस, हाउ यू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, दिस इज द वेरी यूजफुल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइल टॉकिंग, while debating, while putting, while saying. तो अपने कॉन्फिडेंस को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे एकदम बेसिक लेवल से आपको क्या करना, अपना कॉन्फिडेंस स्टार्ट करना है, बनाना है, आज के सेशन में ये सारी चीजें हम क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो जो एक्टिविटी आप यहाँ करोगे, आपको घर पे भी जाके क्या करना है, अप्लाई करना है। दो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेट की। पहली जो रहेगी बेसिक लेवल की, आपसे हिंदी का सेंटेंसेस पूछा जाएगा, जो आपने पढ़ा है उसको अंग्रेजी में आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है जो भी हिंदी का आप पढ़े हो और आप जो अपने चैप्टर से क्या हो पढ़े हो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। दूसरी प्रैक्टिस क्या रहेगी जो बड़ी अच्छी है, आपको अपने दिमाग से सोचना है, ऑब्जर्व करना है, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व योर माइंड कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, उसको आपने कितना समझा है, कितना ऑब्जर्व किया है, कितना फील किया है, उसको आपको बोलना है एज अ सेंटेंस, ऐसा मालूम होना चाहिए कि स्पीच है, क्या है, क्या है, स्पीच है। जैसे मान लीजिए पहली तो आपसे हिंदी पूछी जाएगी कि
मैं क्लास में हूँ तो आप बताओगे आई एम इन द क्लास. मैं यूपी से हूँ आई एम फ्रॉम यूपी. मैं क्लास में हूँ आई एम इन द क्लास. तुम बाहर हो यू आर आउटसाइड. मेरी माँ घर पे है माय मदर इज एट होम. मैं तैयार हूँ आई एम रेडी. सब कुछ ठीक है एवरीथिंग इज ओके. एवरीथिंग इज ओके बहुत अच्छा. दैट्स अ ग्रेट दैट्स अ नाइस दैट्स फैंटास्टिक दैट्स लवली दैट्स अ लवली. ठीक है मैं सभी लोग क्या है तैयार है. एवरीबॉडी इज रेडी. एवरीबॉडी इज रेडी. आज फ्राइडे है इट्स अ फ्राइडे टुडे. इट्स अ फ्राइडे टुडे. इट्स अ फ्राइडे टुडे. मैं बाहर हूँ आई एम आउटसाइड. मेरा भाई दुबई में है माय ब्रदर इज इन दुबई. मेरी साइकिल बाहर है माय साइकिल इज आउटसाइड. मैं अंदर हूँ आई एम इनसाइड. मैं क्लास में हूँ आई एम इन द क्लास. भारत एक खूबसूरत देश है. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. India is a beautiful country. I am from Srinagar. I am from Azamgarh. I am from. I am a teacher. You are a student. You are a student. You are very smart. You are very smart. I like you. This is the. These are girls. Yeah, these are four girls. These are boys. This is a bench. These are three computers. This is the Arbia. This is Ansika. This is na your friend. This is your classmates. This is English class. This is ना अपना नाम बता दोगे तो अंग्रेजी मतलब पहले क्या करना है आपको ट्रांसलेट. उसके बाद आपको क्या करना है डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है. क्या करना है डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है 20 सेंटेंस. अभी मैं आपको बता रहा हूँ 20 सेंटेंस बनाना है. लेकिन आप घर जाइए जितना हो सके एक चैप्टर के पीछे मैं क्या बता रहा हूँ. अगर एक चैप्टर के पीछे आप 100-200 सेंटेंस काम कर रहे हो तो आपको चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है. मतलब अगर मैंने आपको एक पढ़ा दिया कि आई एम इन द क्लास आई एम आउटसाइड. अब इस पे आपको क्या करना है 50-100 सेंटेंस बनाना है. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बनाओगे उतना आपको क्या होगी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी. आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या होगा बिल्डअप होगा. बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्या करते हैं कॉपी में ट्रांसलेट लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं बोर्ड पे. लेकिन जब उनसे कहा जाता है 20 सेंटेंस लिखा लो के बोलिए तो क्या करते हैं उनका दिमाग क्या करता है रुक जाता है. दे जस्ट ना स्टक. उनके पास ऐसा लग रहा है नहीं. जबकि 20 सेंटेंस आपको बोलना है रटना नहीं यहाँ पे कुछ समझना नहीं. जो आपने फील किया समझा है जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से खुली आंखों से उसको क्या करना है आपको बनाना है. क्या करना है बनाने की कोशिश करना है. ये काम आपको क्या करना है करना है. बात समझ में आ रही है. हेलो हाय. हेलो हाय गाइस. हाथ उठा के हेलो हाय गाइस. हेलो हाय गाइस. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हाथ उठा के गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सभी लोग ठीक हो बढ़िया हो गए. आज हम यहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और तेज बोली आवाज में आज हम यहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. इंग्लिश की क्लास है. आज मैं आपको बहुत सारी चीजें वीडियो के माध्यम से पूरे देश में पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा कि इंग्लिश क्या है कैसे आप सीख सकते हैं कैसे आप क्या कर सकते हैं. हाँ बताइए कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं पढ़ सकते हैं क्या तरीका होगा. मैं सारी चीजें आपको क्या करूंगा बताऊंगा आज के सेशन में. okay, आप लोग तैयार हो जाइए. कमर कस लीजिए और अपने कान अपने दिमाग को खोल लीजिए और बैठ जाइए आज के सेशन में सीखने के लिए. आज आपको एक से एक नई से नई बढ़िया से बढ़िया चैप्टर टिप्स आइडिया आप तक जाने वाला है. आप महसूस करोगे वीडियो खत्म होने से पहले तक कि इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है इंग्लिश आपके हाथ में है. आप बहुत अच्छे तरीके से फील करोगे. ये मेरा आपसे क्या है. हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Sitting here just to talk about some tips how can learn English how can improve our English language. So just my opinion English is easy language. Firstly you have determined in your mind I can do it I can learn it. First tips
टू ऑल्सो अप्लाई इन डेली लाइफ स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस. आफ्टर दैट मेक इजिली लॉन्ग सेंटेंसेस. एंड थर्ड यू कैन लिसन कैरफुली. You can watch English language, you can watch English speech, English lectures, many activity. You see, you watch in English video. Also, you can observe, you can learn English language. Mostly, student also backside. Mostly students also beg and not observe English language like that. Firstly, you can thinking long thinking. Very good. You can speak well. Only few days, 1 month, not it impossible. Also, you can thinking English language and speak English. बोला करो ना, एक चीजें पहले क्या होती है ना, सीखी जाती है, रिपीट की जाती है. जैसे किसी ने अच्छे तरीके से बोला, आप जरा सोचिए, अगर आप एक स्पीच रटे हो तो स्पीच आप बहुत अच्छे तरीके से बोलोगे. बोलोगे कि नहीं? yes. बोलते हो ना, बहुत कॉन्फिडेंस भी आपका रहता है. फिर उसी पैटर्न में दूसरी तीसरी भी स्पीच आप क्या करते हो, कोशिश करते हो ढालने की. कुछ भी बातें आप बता सकते हो. मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करने का, आपको हिंदी पूछा जाएगा, आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए. और दूसरी प्रैक्टिस आपको खुद से 10-20 सेंटेंस क्रिएट करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, जहां आपने कॉन्फिडेंस को आप क्या करोगे, मेंटेन करोगे. ठीक है? तो पहला आप एक एक करके आपसे क्या सेंटेंस पूछा जाएगा, जो आप पढ़े वही पूछा जाएगा. ठीक है? बताना अच्छे तरीके से, आपको बताने की कोशिश करना. ठीक है? चलिए, मैं यहाँ हूँ, तेज बोलिएगा. हाँ, तेज बोलिए. आई एम हियर. और जो सेंटेंस बोलिए अच्छे तरीके से, समझिए कि मैं स्पीच कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से ना. ये मत समझिए कि सेंटेंस है तो क्या मैं बोलूँ. ठीक है? तो मैं यहाँ हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम हियर. आई एम हियर. मैं यूपी से हूँ. वेरी गुड. मैं खुश हूँ. आई एम हैप्पी. तुम तैयार हो? तुम तैयार हो? यू आर रेडी ना? क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? मेरी कार बाहर है? आउटसाइड. मैं आजमगढ़ से हूँ. मैं तैयार हूँ. क्या हुआ बाहर है? Easy, outside. सभी खुश हैं? Everybody is happy. आज फ्राइडे है. इट लगा लोगे ना? It's Friday. It's Friday. It's ये सब लड़कियां हैं. These are girls. These are girls. ये मेरी सिस्टर है. This is my sister. बोली This is my sister ना. ये सब स्टूडेंट हैं. These are student. वह एक लड़का है. सब कुछ ठीक है. एवरीथिंग इज ओके. एवरीथिंग इज ओके. आजमगढ़ एक क्या है? बड़ा शहर है. आजमगढ़ इज अ बिग सिटी. आजमगढ़ इज अ बिग सिटी. आजमगढ़ क्या? एक बड़ा शहर है. इंग्लिश हर एक जगह है. इंग्लिश इज एवरीवेयर. इंग्लिश इज एवरीवेयर. इंग्लिश क्या है? हर एक जगह है. मोबाइल क्या है ना? हमारे लिए यूजफुल है. मोबाइल इज यूजफुल. हाँ, फॉर अस. आप पूछिए. और यूज एम आर का पूछोगे, अफर्मेटिव और क्वेश्चन टाइप में. फटाफट पूछिए. क्या वो अंदर है? क्या वो अंदर है? इजी इनसाइड. वेरी गुड. बहुत अच्छे. आप कहाँ से? वेयर आर यू फ्रॉम? वेरी गुड. आपका क्या नाम है? आप व्हाट्स योर नेम? अभी पढ़ा है ना? ये शुरू हुआ है ना? व्हाट्स योर नेम? ये शुरू हुआ है ना? What's your name? जी, आपकी सिस्टर का क्या नाम है? What's your sister name? चलिए, इसे मार से पूछोगे ना पहला चैप्टर. अफर्मेटिव और क्वेश्चन टाइप वन. या एक कंप्यूटर है. क्या है? या एक कंप्यूटर है. या एक कंप्यूटर है ना? या एक कंप्यूटर. दिस इज अ कंप्यूटर. अमास. ये एक मोबाइल. या एक मोबाइल. दिस इज अ मोबाइल. नवे. एक सुपर फास्ट किताब
वही जो पढ़ाया गया ना, इज दिस नोटबुक आप पूछे हाँ कंप्यूटर का में आपका क्या कोर्स है कल पढ़ाया गया ना, व्हाट्स योर कोर्स इन कंप्यूटर, व्हाट्स योर कोर्स इन कंप्यूटर, कंप्यूटर 2003 ठीक है, ये हो गया पहली प्रैक्टिस। अब आपको बताना है आमिना, आपने जो कुछ अभी ट्रांसलेट किए हो इसको अपने से, या जो आपने अभी पढ़ा है, मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, इजी मार्क्स में तो सेंटेंस ऑफ आर्टिकल आपको पढ़ाया, क्वेश्चन टाइप 1 और व्हाट भी पढ़ाया ना, क्वेश्चन टाइप 2 में एक पढ़ाया ना, वो सारी बातें आप अपने सोच के बोलना है। ऐसे आप बैठे हो जैसे अंग्रेजी खाली बोलना है आपको, दिस इज आमिना, अपना नाम लिखो, दिस इज अ बॉय, दीज आर गर्ल्स, आई एम रीडिंग, आई एम आउटसाइड, माई मदर इज एट होम, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री, दिस इज अ मोबाइल, आई एम रेडी, आई एम फाइन, आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम ए स्मार्ट गर्ल, आई एम अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है। ऐसे 20 सेंटेंस क्या करना आपको बताना है, चलो बताइए, ठीक है, चलो स्टार्ट करिए, 10-20 सेंटेंस क्रिएट करना है। वैसे 100-200 जितना ज्यादा आप कर लोगे उतना अच्छी बात रहेगी। चलिए एकदम कंफर्टेबल होकर बोलिए, जल्दी करिए, अभी दूसरे को वक्त आना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आराम से बोलिए ना, रुको घबराना नहीं है, ठीक है, चलिए ठीक, हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और तेज थोड़ा बोलिए वहाँ तक आवाज जानी चाहिए, आई एम फ्रॉम आजमगढ़, वेरी गुड, आई इन द क्लास, आई एम ऑन द चेयर, I am ready. I am student. I am your teacher. Very good. Your friend. My father is in Dubai. जो जो आप बताएं आप जानते हो बस वही बोलना। My mother is at home. हाँ। I am strong. हाँ। My mobile is switch off. हाँ। I am in the Sraimir. Sraimir is my market. My village. Is Basti. I am from Sikaror. I am from Karema. I am from Karema. You are good boy. You are good boy. My car is outside. This is my class. This is my friend. This is my sir. This is my sir. I am good. I am good. I am good. चलिए यदि आप समझ गए क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए एकदम कंफर्टेबल हो ना, आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाए जो आप पढ़े उसका ट्रांसलेट करना है, तेजी से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, जहाँ गलत होगा मैं आपको क्या करूँगा बताऊँगा, तैयार हो ना, कोई डर नहीं लग रही है ना, चलिए बताइए ना, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक स्टूडेंट हो, तेज बोलोगे तेज इस वजह से कहा जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है तेज बोलने से, तुम एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यू आर स्टूडेंट, वेरी गुड, मैं क्लास में हूँ, आई इन द क्लास, वेरी गुड, ये इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश क्लास बहुत अच्छे जबरदस्त, दिस इज इंग्लिश क्लास, ये मेरी सिस्टर है, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई, वह मेरा बैग है, That is my bag. That is my. मेरी माँ घर पर है. मेरी माँ घर पर है. My mother is at home. My mother is at home. My mother is at home. मैं यूपी से हूँ. मेरे पापा बाहर हैं. My papa is abroad. My papa is abroad. ना. Out of the country. वह एक किताब है. That is the book. That is the book. ये सब लड़कियाँ हैं. आज फ्राइडे है, इट्स फ्राइडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे, आज क्या फ्राइडे, मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं सेहतमंद हूँ, आई एम हेल्थी, मैं अमीर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्ट, आई एम स्मार्ट गर्ल, आई एम स्मार्ट, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट, मैं जाहिल नहीं हूँ, आई एम नॉट, आई एम, अच्छा मैं जाहिल,
तो मैं जाहिल नहीं हूँ, क्या हो जाएगा? I am not uneducated. बहुत अच्छे, मेरी कार बाहर है, my car is outside. जी समझ में आ रही बात? आप लोग पूछिए कितने हैं? क्या हुआ घर पर है? तुम्हारे पास किताब है? पूछिए क्या यह एक कलम है? क्या एक कलम है? क्या यह एक कलम है? क्या यह एक कलम है? Is this a pen? मांदा पूछिए। एक चश्मा है। हाँ, this is a Google. This is a आप पूछिए अनुभव। क्या तुम पूछो? क्या तुम पूछो? Are you happy? दिखता है पूछो। क्या यह चिट्ठी है? क्या चिट्ठी है? हाँ। Is this लेटर? हाँ, यह एक ग्लो है। क्या हो जाएगा? दिस इज अ ग्लो, एक काला निकाल। अरे तो हाँ, ब्लैक व्हेल। अंधिका आप पूछिए। हाँ, यहाँ एक लड़की है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अपने से 10 सेंटेंस नाम बताइए ना, समझ रहे हो? अपने से सोच के जो भी आपके मन में है, आप जानते हैं, दिख रहा है ना? जैसे हिंदी बोल के मेरे इतने भाई बहुत अच्छे हैं। और तेज बोलिए। हाँ, ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, आई एम एजुकेटेड। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। आगे चलिए। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही है, तुम सही हो, वेरी गुड। हाँ, आर यू एट होम? आर यू एट होम, वेरी गुड। चलिए, जो पढ़े 10 बनाना आना चाहिए ना, मतलब ऐसे 100-200 जितना बना लो उतनी अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन 10-20 कोई कहे तो आप क्या करो, फटाफट बता दो। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, दैट इज द बुक, दैट इज द कार, दैट इज द हाउस, है ठीक है। आई एम द ग्लास, आई एम ओके, क्या बीमार हो? आपका क्या नाम है? आपके दोस्त का क्या नाम है? मैं यहाँ हूँ। कहाँ हूँ? पापा आ रहे हैं। तुम अंदर हो? मैं यहाँ हूँ। मेरे पापा कहते हैं भारत एक बड़ा देश है, ये सब लड़कियाँ हैं, ये सब स्टूडेंट हैं, एक लड़का है, वो एक कॉलेज है, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरी दुकान है, मेरे पापा मार्केट में हैं, मेरा बुआ मेरा बैग है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, बुआ बाहर है, मैं यूपी से हूँ, आई फ्रॉम यूपी, सभी ठीक हैं, कोई बाहर नहीं है, नोबडी, इंग्लिश हर एक जगह है, पानी हर एक जगह है, मैं कहीं हूँ, मेरी कलम कहीं है, वहाँ कहीं नहीं है, इज नॉट एनी वेयर। आप लोग पूछिए फटाफट, बता दें। तुम यहाँ हो? तुम बाहर हो? क्या भाई, एक लड़का है? इज दैट अ बॉय? तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? वेयर आर वी? यह एक कैची है।
क्या तुम प्रधानमंत्री हो? ओके, अब 20 सेंटेंस आप क्रिएट करना फिर 20 सेंटेंस हां चलिए तो बनाइए आराम से बोलिए हां दिस आर गर्ल्स वेरी गुड आई एम स्मार्ट गर्ल हां वेरी गुड ब्लैक मैन हां वेरी गुड और द चेन दैट इज द ब्लैक वाइट बोर्ड वेरी गुड किंग अ बॉय वेरी गुड माय फ्रेंड वेरी गुड व्हाट्स योर मदर नेम Okay, very good. Where are you from? I am from what's your class? In which class are you? What's your class? I am second standard. I am third standard. I am third. What's your village name? My name is Poroli. My village name is How old are you? I am 6 years. I am 7 years old. I am 7 years. Yeah. I am 7 years. Okay. Me. From. From मतलब हिंदी में बताइए. Say. Between. Among. K beach. Behind. पीछे. Beside मतलब. He मतलब. He means. वह. She means. This. Yeah. That. चलिए अपना इंट्रोडक्शन बोलिए माई से ना मैं सब बता रहा हूँ त्रिपोली वहाँ आवाज एक बड़े तरीके से हेलो हार गुड मॉर्निंग गाइस हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस हेलो हाय हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस रिस्पेक्टेड सर हाँ रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स दस हाँ Good morning, everybody. Good morning. Good morning. This is Nidia. Very good. I come from Kauri. Very good. बहुत अच्छा. Very good. बहुत अच्छा हाँ. My hobbies. My hobbies are speaking English. Very good. बहुत अच्छे. I am third standard. Very good. बहुत अच्छे. My career. हाँ. I want to become successful doctor in my life. As doctor, teacher, very good. How are you, sir? Do you think you improve, you develop, your English develop? Yes, sir. Yes, you develop. Yes, English. I do. You want to share the video with me? Yes. Tell me something you want to share with me. Some of you tell me about this, that how your class is, what you want to do. Good afternoon. Good afternoon. My dear friends. And this video is very successful and इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हाँ, इस
आप वीडियो के अंत में बने रहे, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैंने यहाँ इंग्लिश सीखा है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट किया है अभी तक की है, इसलिए कि आप लोग ट्राई करें, आप लोग वीडियो को अंत में बने रहे और आप लोग वीडियो देखें, और वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है इससे, और आप लोग वीडियो को जरूर देखा करो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, एंड व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, एंड विदाउट इंग्लिश वी कैन नॉट डू एनीथिंग नाउडेज। नाउडेज एवरी पर्सन वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू कैन विजिट वेयर एनीवेयर लाइक दैट अदर कंट्री, यू नीड इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन डू एनीथिंग, and if you have knowledge you can do anything like that job and any work if you go anywhere, friends, my dear friends, like that company college hotel bank anywhere need English language. Yes, English language is very great language, and I you want to be learn English, you come here you learn English. Try to speak English, do not speak Hindi, then speak, then wonderful speak English, then you can speak wonderful speaker English, and then please try to speak English, this is the best language and easiest way to develop yourself. So please always try to speak English in the class each and every time apply English things in English observe in English, understand, practice more, you success. My dear friends, this is the things which you try to understand. Now you feel. Now you feel. You look. I am improving. I am developing. I can speak. This is the technique. I want to tell you, my dear friends. I hope. You understand. You get. You feel. What I want to say. You. I think that you will apply. You will practice. In your practical life. Then you feel. You see. Very soon. Result. Wonderful result. Great result. This is the point. Try to. Observe. Try to apply. Thank you very much. Thank you so much. Wish you all the best. Take care. Thank you so much. Next. नेक्स्ट नवेद यू का टाइम बजे था 12 बजे गया मुझे 12 बजे का ठीक हो गया हो देखिए अभी मैं जिसका कहता हूँ किसी बोलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कुछ कहने का हिंदी या उर्दू में ठीक है कुछ कहने का कॉन्फिडेंस आपका अपन होना चाहिए ना किसी बोले ना हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना अंग्रेज बना दूंगा तुम्हारी अम्मी पहचान नहीं पाएगी तुमको क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हारे आपको एकदम नहीं पहचानेगा दिन के बाद देखेंगे समझ रही हो